स्वागत है आपका मेरे चैनल पे यमी फूड मैजिशियन में। और आज हम आपके लिए लाए हैं ये ढोकला रेसिपी। तो ये एक गुजराती डिश है गाइस, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और आते हैं अपनी रेसिपी पे और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ डलेगा। बहुत ही तो सबसे पहले हमने एक बॉल ले लिया, इसमें हमने एक कटोरी मैदा लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा दही, ये मैंने 2 से 3 चम्मच छोटे वाले दही लिया है। और इसमें हम डालेंगे अब ये 1/2 चम्मच नमक और ये थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। ये मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है। तो हमने ये अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे ताकि इसमें ज़्यादा लम्स ना पड़े। और इसको ऐसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करके, तो देखिए गाइस ये बैटर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए हमारा। इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। और अब हम इसमें ये 1/2 नींबू है इसको हम निचोड़ देंगे। ये हमने इस तरीके से ये नींबू निचोड़ दिया है पूरा। और अब हम एक ले लेंगे अलग से, ये बॉल ले लिया है हमने अलग से, इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और इसमें हमने डाल दिया है अब इनो। इनो जैसे ही आप डालोगे इस बैटर में तो आप जल्दी से इसको मिक्स करना है अच्छे से और लगातार हाथ चलाना है। ये थोड़ा सा फ्लफी दिखेगा अपना इस तरीके से, ये बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा अपना। इनो डालते ही इस तरीके से इसको लगातार मिक्स करना है। इस तरीके से हमने जो बॉल लिया था, जो हमने ग्रीस करके रखा था, उसमें हम सारा डाल देंगे। और ये हमें जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करनी है इस तरीके से, जल्दी से हम डाल के। और ये देखिए ये सारा हम मिक्सचर हमने इस दूसरे बॉल में डाल लेंगे, इसको अच्छे से सेट कर देंगे इस तरीके से। ये हम 1 मिनट के लिए इस तरीके से रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए इस बॉल में। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है इसमें। और अब हम इस पतीले के अंदर इसको आराम से डाल देंगे अच्छे से। इसको मैंने अंदर इसके स्टैंड रख दिया है और ये हमने एक प्लेट से इसको ढक दिया है। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। तो गाइस हमें अब अपने तड़के की तैयारी करनी है। इसमें क्या क्या लगेगा ये देखिए, ये मैंने राई ली है, ये जो हमारी काली वाली राई होती है वो है, और ये हमने लिया है ग्रीन चिल्ली। ये इस तरीके से हम बीच में से इसको हम काट लेंगे, लंबा लंबा इस तरीके से काटेंगे। और ये हमारा कड़ी पत्ता है, ये हमें 4 से 5 लेना है, ज़्यादा नहीं। और इसमें बस यही डलेगा। और आते हैं अब देखते हैं आगे क्या डालना है। तो हमने ये कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा फॉर्च्यून ऑयल। और जैसे ही हल्का गर्म होने लगेगा तो अब इसमें हम डाल देंगे अपना ये, इसमें हम डाल देंगे ये कड़ी पत्ता और ये राई। और ये जिस तरह हम एक साथ ही डाल देंगे और जैसे हम डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा इनको हम ब्राउन होने देंगे। और इसको हमें थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस को। इसमें हल्का हल्का आवाज़ आएगी और फिर इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे अपनी ग्रीन चिल्ली। और इसको डालते ही देखिए इस तरीके से, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा इसमें कच्चापन ना लगे ये हरी मिर्च में अपना। और ये मैंने इसमें अपना 1 गिलास पानी डाल दिया है। और पानी जितना हो सके आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ताकि अगर पानी बचे तो आप ऊपर से डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें ये डाल दी है अपना चीनी, चीनी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए, जिसे मीठा खाना ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने अपनी चीनी डाल दी थी और हम इसमें 1/2 चम्मच नमक भी डाल देंगे। और इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो पानी में अच्छे से घुल जाए, दिखनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह ये चीनी दिख रही है बिल्कुल, ये अच्छे से पानी में घुल जानी चाहिए चीनी। और इसको हम कर देंगे गैस को तेज,
गैस तेज करने से ये अच्छे से उबल जाएगा पूरा पानी हमारा जो ये तड़के का था, ये उबल चुका है पानी अच्छे से। इसमें हम डाल देंगे ये एक नींबू का रस और गैस को हम कर देंगे बंद। गैस को बंद करने के बाद ही हम डालेंगे ये नींबू का रस और अच्छे से इसको हम इस तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम ढक के रख देंगे। तो आते हैं अब इसको हम चेक करते हैं, इसको 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये बिल्कुल स्टीम हो चुका है हमारा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, हम नाइफ़ की मदद से चेक करेंगे। ये देखिए नाइफ़ को हमें इस तरीके से ऐसे चेक करना है और ये अगर नाइफ़ में नहीं चिपक रहा तो इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। ये देखिए गाइस ये हो चुका है तैयार। अब हम इसको एक ये प्लेट में मैंने इस तरीके से डाल दिया है, इसको आप उल्टा करके बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से लगेगा हमारा ये ढोकला, देखिए। और इसको हम अब एक नाइफ़ से काटेंगे। ये हमने नाइफ़ ले लिया और इसको इस तरीके से देखिए मैंने काट दिया है। ये आप कोई भी साइज़ में काट सकते हैं, क्यूब में या ये देखिए इस तरीके से काट चुके हैं हम इसको। ये हमारा कटिंग हो चुकी है और ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से हमारा ढोकला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऐसे फ्लफी दिखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बना है इस तरीके से। अब हम इसमें जो हमने ये अपना तड़के का पानी रेडी किया था वो हम इसको ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो आप सारा भी डाल सकते हैं एक बारी में, वरना आप धीरे धीरे करके डाल सकते हैं। और अगर आपको बाद में कम लगे तो आप ऊपर से दोबारा भी डाल के इसको, ये देखिए इस तरीके से ये हो चुका है पूरा। हमने पानी का मिक्सचर अपना ये डाल दिया है और ये दिखने में बहुत ही, ये देखिए हमारी रेसिपी बन चुकी है, ये रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।